हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को अपने ही चैनल स्टडी 0.3 पर। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर के इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों आइए इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो में मैथ के कुछ बेसिक फंडामेंटल। ध्यान देंगे बच्चों, मैथ के कुछ बेसिक फंडामेंटल या मैथ के मूल मंत्र भी कह सकते हैं इसको आप लोग। मैथ के फेफड़ा, कलेजा, दिल इत्यादि भी कह सकते हैं, कोई शक नहीं है। दसवीं तक के मैथ के लिए ये जान है, प्राण है, ठीक है ना। चलिए मैथ के कुछ मूल मंत्र, भाग, गुणा, जोड़, घटाव, ये सीखते हैं हम लोग टाइप वन में। आइए समझते हैं बच्चों टाइप वन। टाइप वन क्या होता है बच्चों, इसमें देखते हैं टाइप वन में। चलिए ये हम लोग हो गया टाइप वन। टाइप वन में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहले जोड़ और घटाव, जोड़ और घटाव। बहुत ऐसे बच्चे हैं वो जो दसवीं क्लास में चल गया लेकिन अभी तक ये सब उन लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। चलिए टाइप वन में देखते हैं बच्चों। टाइप वन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों जोड़ और घटाव को। जोड़ और घटाव को ऐसे क्वेश्चन दे देता है कुछ, ये हम लोग रहा बच्चों क्वेश्चन, कहेगा इसको सॉल्व कीजिए, कहेगा इसको सॉल्व कीजिए। ध्यान देंगे बच्चों इसमें सॉल्व करना बहुत ही ईजी है और आसान है, आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे, आराम से समझ में आएगा। चलिए ध्यान देंगे इसको ये करेंगे बच्चों, प्लस वाला को अलग कर लेंगे और माइनस वाला को अलग। जो जो प्लस में है उसको अलग करेंगे और जो माइनस में उसको अलग करेंगे। ये प्लस में बच्चों कुछ भी नहीं है, आगे तो क्या होता है प्लस, यहाँ पर ये माइनस में हो गया, ये प्लस में, ये प्लस में और ये दोनों का है माइनस में। ध्यान देंगे प्लस वाला को अलग और माइनस वाला को अलग। चलिए ये प्लस में हो गया दोनों और ये भी किस में हो गया प्लस में। चलिए हम लोग को दो माइनस दो और माइनस का नौ, ये किस में हो गया निगेटिव हो गया, माइनस में हो गया। तो प्लस वाला को अलग करेंगे और माइनस वाला को अलग करेंगे। चलिए ये आठ हो गया प्लस में, प्लस चार हो गया, फिर प्लस आठ हो गया। चलिए अब ध्यान देंगे माइनस का नौ, माइनस दो और माइनस का दो, ये हो गया हम लोग का माइनस वाला अलग और ये हो गया प्लस वाला अलग। अभी तक आप लोग जानते थे बच्चों कि माइनस आता है तो घटाते हैं, लेकिन अब माइनस आए तो जोड़ेंगे। एक से अधिक माइनस आता है तो जोड़ते हैं, एक से अधिक माइनस आता है तो जोड़ते हैं। चलिए ध्यान देंगे इसको ऐड करेंगे, प्लस को अलग ऐड करेंगे माइनस को अलग। आठ चार बारह, बारह आठ बीस, कितना आएगा बीस। ओके अब यहाँ पर भी इसको भी ऐड करेंगे, माइनस वाला को भी ऐड करेंगे, एक से अधिक माइनस आता है तो जोड़ते हैं। इसको ऐड करेंगे तो आएगा हम लोग का चार, और चार को हम लोग को तेरह को, कितना आएगा बच्चों तेरह, कितना आएगा तेरह। ध्यान देंगे अब क्या करेंगे, एक के माइनस आएगा कितना एक, जब भी एक के माइनस आएगा तो क्या करेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे बच्चों घटाएंगे। तो घटाएंगे हम लोग बीस में से तेरह जाएगा तो कितना आएगा सात, बीस में से तेरह जाएगा तो सात। एक और चीज होता है कि हम लोग होता है बच्चों तेरह में से बीस जाएगा, तेरह में से बीस, यदि तेरह में से बीस घटाना होगा तो ये भी घटेगा, ये भी घटेगा। ध्यान देंगे ये तेरह कम है और बीस अधिक है, सबसे पहले देखेंगे कि किसकी संख्या अधिक है, तो माइनस वाला की संख्या क्या है बच्चों अधिक है, चूंकि बीस अधिक है और किसमें माइनस में, इसको भी घटाएंगे तो किसमें आएगा सात, किसमें किसका कितना आएगा सात आएगा हम लोग बच्चों, इसको भी घटाएंगे तो सात आएगा। लेकिन ध्यान देंगे ये बात कि ये माइनस में आएगा कि प्लस में, तो जिसकी संख्या अधिक होती है उसी का चिन्ह बनता है, तो माइनस बीस अधिक है बच्चों और किसमें माइनस में, तो यहाँ पर आएगा माइनस का सात। चलिए ये हम लोग हो गया बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा हम लोग का, ले लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ये हम लोग हो गया क्वेश्चन। ध्यान देंगे इसमें भी वही काम करेंगे, प्लस को अलग और माइनस को अलग, प्लस को अलग और माइनस को अलग। ये हम लोग का प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और ये सब किस में है बच्चों माइनस में। तो प्लस को अलग कर लेंगे और माइनस को अलग, मान लेते हैं पहले ही माइनस दे दिया, मान लेते हैं पहले ही माइनस दे दिया, तब क्या करेंगे ध्यान देंगे ये भी किस में आएगा हम लोग का माइनस में। तो पहले माइनस वाला को ले लेंगे फिर प्लस वाला को, माइनस आठ, माइनस दो, माइनस का नौ और माइनस का फिर क्या है बच्चों नौ। ध्यान देंगे ये प्लस में है और ये भी किस में है प्लस में है, तो प्लस चार और प्लस चार। ओके माइनस को अलग जोड़ेंगे और प्लस को अलग जोड़ेंगे, ये सब माइनस में इसको अलग जोड़ लेते बच्चों, नौ नौ अठारह, अठारह दो बीस, बीस आठ अट्ठाईस, ये हम लोग का माइनस में ही आएगा चूंकि माइनस वाला को ऐड किया है। यहाँ आप ध्यान देंगे इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा आठ, चार को आठ को,
चलिए अब ध्यान देंगे क्या करेंगे, 28 में से 8 घटाएंगे, आराम से घट जाएगा बच्चों, कितना आएगा 20। बहुत अधिकांश बच्चे इतना ही लिख देते हैं और छोड़ देते हैं, जो कि क्या होता है गलत। ये 20 नहीं आएगा बच्चों, जबकि आएगा हम लोग का माइनस का 20, आएगा हम लोग का माइनस का 20, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है अधिक है, माइनस की संख्या क्या है बच्चों अधिक है, इसलिए हम लोग आएगा माइनस का 20। ये हम लोग हो गया बच्चों टाइप 1। अब टाइप 2 में चलते हैं। ओके दोस्तों आइए देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में हम लोग देखें बच्चों, टाइप नंबर सेकेंड है, इसमें हम लोग पहलका में पढ़े जोड़ और घटाओ, और तिसारका में और दुसारका में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ये तिसारका को भी क्या करेंगे मिला लेंगे, गुणा को भी मिला लेंगे। तो टाइप 2 में पढ़ेंगे हम लोग जोड़ घटाओ और गुणा, लेकिन अगर चारों आता है तो सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर अदरवाइज करते हैं। ध्यान देंगे टाइप सेकेंड, गुणा जोड़ घटाओ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर एक ये हम लोग का रखे बच्चों क्वेश्चन। ओके ये आ गया हम लोग का क्वेश्चन, मान लेते हम लोग ये हो गया क्वेश्चन। ध्यान देंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कई को बच्चा सब पहले जोड़ देता है, फिर घटा देता है, फिर गुणा करते हैं, जो कि क्या हो जाता है गलत। सबसे पहले जोड़ घटाओ और गुणा दिया है, जोड़ घटाओ गुणा, ये तीनों में तीनों दे दिया है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं गुणा, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो जहाँ जहाँ गुणा है अंडरलाइन कर लेंगे, जहाँ जहाँ गुणा है अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि इसको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इसको गुणा कर लेंगे। 8 माइनस 36 आ जाएगा बच्चों, गुणा करेंगे तो 9 और 4 में गुणा किए कितना गया 36। अधिकांश बच्चे सब 4 में से 2 को घटा देगा ताकि आसान हो जाएगा, फिर गुणा करेगा जो कि हो जाएगा गलत। चलिए ये बाकी सबको ऐसे ही उतार देंगे, अब यहाँ पर आ गया 8 अगुणे 2, गुणा करेंगे तो आएगा हम लोग का माइनस का 16। ओके फर्स्ट स्टेप में गुणा हो गया, अब सेकेंड स्टेप में जोड़ और घटाव करते हैं। चलिए अलग अलग कर लेते हैं बच्चों, जो प्लस में है उसको अलग कर लेते हैं और जो माइनस में उसको भी अलग। तो ये हम लोग रहा प्लस में, ये तीनों प्लस में, बाकी सब किसमें है माइनस में। तो 8 + 8 + 2 प्लस वाला हो गया बच्चों, ये और ये क्या है माइनस में, माइनस का 36, माइनस 2 और माइनस का 16, ये तीनों किसमें आ गया बच्चों माइनस में। अब देखते हैं इसको ऐड करेंगे तो 8 को 8 कितना आएगा 16, और 16 2 18 हो गया हम लोग का 18। चलिए अब इन सब को ऐड करते हैं, तो हम लोग ऐड ऐसे करेंगे 6 × 2 = 8, 8 × 6 = 14, 4 × 1 माइनस में आ जाएगा बच्चों 14 × 4 = 1। अब क्या करेंगे 1 × 3 कितना आएगा 4, 1 × 3 कितना आएगा 5, 1 × 3 = 4, 1 × 3 = 4, 1 को जोड़ें तो 5। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे बच्चों घटाएंगे, आइए घटाते हैं। इसमें से 18 में से 54 नहीं घटेगा तो 54 में से 18 घटाएंगे, यहाँ पर घटा लो आप लोग, 54 में से क्या करेंगे 18 घटाएंगे, वैसे नहीं आता तो ऐसे आप लोग घटा लेंगे, आराम से घट जाएगा। हाथ से लेंगे तो आएगा बच्चों 14, 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना 6, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 4, और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना 3, कितना आएगा बच्चों 3, यानी हम लोग को आ गया कितना 36, आ गया 36, यहाँ पर 36 लिख देंगे, लेकिन ये आंसर हो गया गलत। 36 लिखने से खाली नहीं होगा, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस में आएगा कि माइनस में, तो ये देखेंगे बच्चों कि किसकी संख्या अधिक है, माइनस की संख्या अधिक है इसलिए किस में आएगा माइनस में, इसलिए हम लोग आएगा माइनस का 36, आएगा हम लोग का माइनस का 36। एक और क्वेश्चन इसी में देखते हैं, एक और क्वेश्चन इसी में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। मान लेते हैं माइनस का 4 अगुणे 2 दे दिया है, माइनस 4 गुणे 2 अब ऐसे दे दिया है हम लोग का, फिर 4 गुणे 3 ले लेते हैं बच्चों, प्लस में 6 × 3। ओके ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं गुणा, यहाँ पर गुणा है सब क्या है बच्चों गुणा में, सबको गुणा कर लेंगे तो माइनस का 8 और माइनस का 12। ओके इसको गुणा करेंगे तो हम लोग आएगा 36 × 18, तो ये दोनों माइनस में है। तो पहलका स्टेप में, पहलका हम लोग टाइप में बता दिए कि प्लस को अलग करते हैं माइनस को अलग, तो हम लोग को अलग हो बच्चों तो आएगा माइनस का 20, माइनस वाला जुटता है माइनस का 20 और प्लस 18, माइनस 20 प्लस 18, इसको घटाएंगे कितना है बच्चों 2, लेकिन 2 पर ही नहीं छोड़ेंगे, देखेंगे बच्चों माइनस की संख्या क्या है अधिक है, इसलिए किस में आएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। चलिए अब टाइप नंबर लास्ट चलते बच्चों, टाइप नंबर थर्ड, टाइप नंबर थ्री पर ध्यान देंगे बच्चों। टाइप नंबर थ्री में
हम लोग भाग को भी मिलाएंगे, गुणा जोड़ घटाओ सभी को करेंगे। जब चारों आता है सबसे पहले भाग फिर गुणा फिर अदरवाइज करेंगे। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे फिर गुणा फिर जोड़ घटाओ। चलिए टाइप नंबर थर्ड पर क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं बच्चों। आ जाएगा चार भागे दो, हम लोग आएगा फिर गुणा में चार भागे दो गुणे दो मान लेते हैं बच्चों मांस का। चलिए बाकी सब ऐसे ही लिख देते हैं, ये आ गया। तो बच्चा सब क्या करेगा, सबसे पहले गुणा कर देते हैं जो कि क्या होता है गलत। हम लोग गुणा नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे भाग। तो सबसे पहले भाग कर लेंगे, फर्स्ट स्टेप में भाग, जहां जहां भाग है क्या करेंगे अंडरलाइन, यहां भाग है और यहां पर भी क्या है भाग है। चलिए चार में दो से भाग करेंगे, चार में दो से, तो चार चार दो के पहाड़ में चार कितने मत है दो मर्द में, चार दो दूना चार कितना है बच्चों दो, गुणा है तो गुणा दो गुणे दो माइनस आठ प्लस छ। अब इस दो को अभी नहीं उतारेंगे, दो को नहीं उतारेंगे क्योंकि इसमें भी क्या बच्चों भाग, दो में दो से भाग करेंगे तो कितना आएगा एक। पहले गुणा नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे भाग, दो में दो से भाग करेंगे तो कितना आएगा एक आएगा। हम लोग का एक गुणे दो, एक गुणे दो, चलिए एक गुणे दो हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे गुणा, यहाँ पर गुणा है और यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या बच्चों गुणा। तो दो दुना चार, दो दुना चार माइनस आठ प्लस छ, और इसको भी क्या करेंगे गुणा, इसको भी क्या करेंगे गुणा। चलिए दो में एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का दो। ओके ध्यान देंगे आप, प्लस वाला को अलग करेंगे और माइनस वाला को अलग अलग करते बच्चों। ये सब किसमें है प्लस में और ये अकेले किसमें है माइनस में। चलिए चार प्लस छ प्लस दो, चार छः और दो माइनस का आठ। ओके तो प्लस वाला को अलग कर लेंगे और माइनस वाला को अलग कर लेंगे। अलग कर लिए बच्चों छ गो आ चार गो दस गो आ दो गो बारह गो आएगा बारह, ये कितना है आठ, बारह आ माइनस का आठ। चलिए हम घटाएंगे इसको बच्चों, क्या करेंगे घटाएंगे, बारह में से आठ जाएगा कितने का चार, ये प्लस में आएगा क्योंकि प्लस वाले की संख्या क्या बच्चों अधिक है, प्लस वाले की संख्या क्या है अधिक है, तो ये हम लोग आ गया चार। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके ध्यान देंगे, क्वेश्चन हो गया तीन भागे तीन माइनस चार गुणे दो, अब भाग्य में ले लेंगे हम लोग क्या बच्चों दो। चलिए ये हम लोग हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखेंगे तीन भागे तीन है गुणे दो, फिर भागे दो है माइनस आठ गुणे चार, आठ गुणे दो है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में भाग करते हैं बच्चों, यहाँ पर भागे और यहाँ पर भागे, भाग करेंगे तीन में तीन से भाग करेंगे कितना मत में एक मत में, एक मत में। चलिए अब कई को बच्चे सब यहाँ पर गुणा कर देता है, गुणा पहले नहीं करना है, भाग रहेगा तो पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग कर लेंगे बच्चों, दो में दो से भाग करेंगे कितना आएगा एक। चलिए अब इसको हम लोग लिख देंगे आठ गुणे दो, आठ गुणे दो एक माइनस चार एकम चार, चार में एक से गुणा तो चार आएगा बच्चों आठ दुना सोलह। अब ध्यान देंगे ये दोनों माइनस में है, ये अकेले किसमें है प्लस में, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो आएगा बीस, आएगा बच्चों बीस, बीस में से एक घटाएंगे तो हम लोग को आएगा बच्चों उन्नीस, आएगा उन्नीस। लेकिन बट परंतु ये माइनस में आएगा, किस में आएगा बच्चों माइनस उन्नीस आएगा, माइनस उन्नीस आएगा। उम्मीद है बच्चों ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा, ये बहुत ही जरूरी है दसवीं तक के मैथ के लिए, और ये आप लोग जानते हैं तभी कोई बात है, ये भाग गुणा जोड़ घटाओ। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई दिक्कत है तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।